हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम आपके लिए डिस्कस किया था। ठीक है, आज फिर से हम आपकी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सम डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो आपकी बुक में आपको दिया गया है सम नंबर 13 और पेज नंबर है 133। ठीक है, सबसे पहले तो हम सम को देख लेते हैं, इसकी जो भी आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आपको दिया गया है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ हरिओम कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012। लायबिलिटीज आपको दी गई है 10% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, ए 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹40 पेड अप। देखिए, आपको ए इक्विटी शेयर दिया गया है, कितना 10,000 इक्विटी शेयर है, बट इसकी जो वैल्यू है फेस वैल्यू है 100, बट उसकी पेड अप वैल्यू कितनी है ₹40, यानी कि ₹60 जो है कॉल इन एरियर्स है। ठीक है, बी इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, फुली पेड अप 6 लाख। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो टाइप के इक्विटी शेयर है, बट दोनों टाइप के शेयर की फेस वैल्यू अलग अलग दी गई आपको। ये आपको ध्यान रखना है और यही हमारा मेन टॉपिक रहेगा इसमें। ठीक है, वो हम बाद में समझाएंगे, बट इसमें आप ध्यान रखिए कि ए इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू ₹100 है और बी इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू कितनी है ₹10 है। ठीक है, बट ₹10 वाले जो है फुली पेड अप है। ओके, उसके बाद आपको दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस 10% डिबेंचर, करंट लायबिलिटीज, डेप्रिसिएशन फंड आपको दिया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। उसके बाद है एसेट साइड गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी। इन्वेस्टमेंट्स आपको दिए गए हैं शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 12%, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 10%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और डेटर्स माइनस बैड डेट रिजर्व, स्टॉक, कैश एंड बैंक, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट दिया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। आपको लैंड एंड बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू क्या करनी है, 20% मोर देन करनी है, यानी कि बढ़ानी है 20%। अ डिविडेंड ऑफ ₹25,000 हैज बीन रिसीव्ड ऑन द शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। इस टॉपिक की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये आपको कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है कि आपको सब्सिडरी कंपनी पर 25,000 शेयर मिला है, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। The profits of the last 4 years are as follows, which are subject to 50% taxation. आपको 4 साल का प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, 4 years प्रॉफिट दिया गया है 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012। ओके, 4 लाख, 4,50,000, 6 लाख एंड 6,50,000। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 3 times ऑफ द सुपर प्रॉफिट। अब देखिए, इसमें आपको क्या कहा गया है कि आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, बट किस तरह से, 3 times ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि आप जैसे गुडविल की वैल्यूएशन करते थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, ठीक है, वो यूनिट में जैसे आप गुडविल की वैल्यू निकालनी है निकालते थे, ठीक उसी तरह से हमें सुपर प्रॉफिट के मेथड के थ्रू गुडविल की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको कहा गया है इट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी टू कैरी फॉरवर्ड 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जर्नलिज्म। कंपनी की एक पॉलिसी है कि कंपनी 20% प्रॉफिट क्या करती है, जर्नलिज्म में ले जाती है। ये हमारा टॉपिक पहले भी आ गया है, बट ये टॉपिक हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम शेयर के लिए कैलकुलेशन करेंगे तब। उसके बाद आपको दिया गया है फ्रॉम द अबो इन्फॉर्मेशन कॉम्प्यूट द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए आपके पास चाहिए नेट एसेट्स। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला गया था नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नेट एसेट्स के लिए सबसे पहले हमारे पास होने चाहिए गुडविल। तो गुडविल की हमें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और याद रखिए गुडविल की कैलकुलेशन जैसे हम सीख गए थे उसी तरह से करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक उसी तरह से हम पहले गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम, तो गुडविल की जब भी हम कैलकुलेशन करते थे तो सबसे पहले फाइंड आउट करते थे कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो उसका क्या करना पड़ेगा, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी।
तो सबसे पहले तो आपको दी गई है गुडविल, तो गुडविल आपको ध्यान में नहीं लेनी क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन ही कर कर रहे हैं हम। उसके बाद है आपको दिया गया लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको दी गई है 7,50,000। अब बात करते हैं कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग में एक टॉपिक दिया गया है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 20% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। आपको लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है लेनी है वो 20% मोर देन लेनी है, यानी कि 20% बढ़ानी है। बट आपको एक टॉपिक याद रखना है कि अगर आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड दिया गया हो तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन फंड माइनस कर लीजिए, फिर कोई चेंजेस करना हो तो होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग की डायरेक्ट कोई वैल्यू दी गई होती, यानी कि मान लीजिए कि आपको 8 लाख रुपीस दिए गए हैं, तो आपको डेप्रिसिएशन फंड माइनस करने की जरूरत नहीं है, तब तो आप फिर आपको मार्केट वैल्यू ही लेनी है। बट कुछ चेंज करने को कहा है, यानी कि आपको मान लीजिए कि यहाँ पे कहा है 20% मोर देन या तो 25% लेस देन ऐसा कहा गया है, तो अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है तो आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन फंड माइनस करना है, फिर कोई चेंज होगा तो हम करेंगे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग माइनस हमें क्या करना है डेप्रिसिएशन, कितना आपको दिया गया है 75,000। तो 7,50,000 माइनस 75,000 इज इक्वल टू 6,75,000। अब हमें क्या करना है प्लस 20% मोर, तो 6,75,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ओके, तो 1,35,000, और इसको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 8,10,000। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई चेंजेस दिया गया है और डेप्रिसिएशन फंड है तो आपको सबसे पहले डेप्रिसिएशन फंड माइनस करना है, फिर ही हमें चेंजेस करना है, ओके। उसके बाद आपको कहा गया है मशीनरी, तो मशीनरी की कोई आपको मार्केट वैल्यू दी नहीं गई है और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू दी गई है 7 लाख। बट मशीनरी की हमें डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है, ठीक है, मार्केट वैल्यू नहीं दी गई है, बट डेप्रिसिएशन फंड अगर आपको दिया गया हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है डेप्रिसिएशन फंड माइनस करना है, तो 1,05,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे इसकी अमाउंट आएगी 5,95,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट में बात करें तो हमें जब भी हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें ट्रेडिंग एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वो हमें ध्यान रखना है, सिर्फ हमें इसमें कैलकुलेशन जब भी करेंगे तब हमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ही लिखना है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लिखना नहीं है। तो इसमें आपको 3 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, एक तो शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये है हमारा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, बट 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये जो है हमारा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है जो यहाँ पे लिखा जाएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 ही इन्वेस्टमेंट लिखे जाएंगे, एक तो शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ओके, कितनी 1,50,000, और 12% प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसकी अमाउंट आपको दी गई है 30,000, ओके। उसके बाद आपको दिया गया है एसेट में डेटर्स, तो डेटर्स की वैल्यू आपको दी गई है 1,50,000 बैड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक, तो स्टॉक की वैल्यू हमें दी गई है 2 लाख, कैश एंड बैंक 60,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लिखा नहीं जाएगा क्योंकि ये तो 50 TS एसेट है, तो टोटल एसेट हम निकाले यहाँ पे तो कितने निकल के आती है देखते हैं, 8,10,000 प्लस 5,95,000 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 60,000 इज इक्वल टू 19,95,000, ओके, माइनस टोटल लियाबिलिटीज, तो लियाबिलिटीज हमें कौन सी दी गई है, तो देखिए यहाँ पे लियाबिलिटी साइड देखिए हमें 2 ही लियाबिलिटी दी गई है, एक तो 10% डिबेंचर और एक है करंट लियाबिलिटी, ये 2 ही लियाबिलिटी दी गई है, तो हमें हम यहाँ पे लिखेंगे 10% डिबेंचर 2,50,000 प्लस करंट लियाबिलिटी 1,35,000, इसका टोटल निकाले तो 3,85,000 टोटल लियाबिलिटी है। नेट एसेट कैसे मिलेगी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लियाबिलिटी, तो माइनस 3,85,000 करें तो 16,10,000,
नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स मिलने के बाद आपको चेक करना है कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है तो इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दी गई थी, एक तो फर्स्ट 10% प्रेफरेंस शेयर कितने, 5 लाख। तो यहाँ पे क्या होगा, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस हो जाएगा यहाँ पे 5 लाख। तो नीचे आपको अमाउंट मिलेगी 11,10,000। ये है हमारी क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते थे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके जो स्टेप है सेम है, कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, तो हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे गुडविल में, क्योंकि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, 11,10,000 मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे आपको दिया गया था 15%। तो 15% करें तो इसका अमाउंट निकल के आएगी 1,66,500। ओके, ये है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, चलिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए, इसमें आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं। ओके, तो प्रॉफिट देखिए, 4 लाख, 4,50,000, 6 लाख एंड 6,50,000, 50,000। ठीक है, ये जो हमारा प्रॉफिट है हर साल आप देखिए इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है तो इसमें कौन सी मेथड यूज होगी, आपकी वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो वेटेड एवरेज मेथड से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ पे। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट। चलिए, तो प्रॉफिट आपको दिया गया यहाँ पे 4 लाख, 4,50,000, 6 लाख एंड 6,50,000, वेट 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, वेटेड प्रॉफिट निकाले तो इसका निकलेगा 4 लाख, यहाँ पे 9 लाख, 18 लाख और यहाँ पे 26 लाख। टोटल करें इसका तो 4 लाख, 4 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 26 57, 57 लाख, वेट का टोटल 10। ठीक है, अब बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 57 लाख डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 5,70,000। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट में हम एक फॉर्मूला भी लिखते थे कि जो भी आपका प्रॉफिट दिया गया हो उसके ऊपर से हमारा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो 5,70,000 माइनस हम करते थे इसमें सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आपको एक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दिया गया था, कौन सा, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी और उसकी फेस वैल्यू जो थी 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज पर आपको इसका इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 10%। तो 10% के हिसाब से आपकी जो इनकम होगी 10,000 होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,60,000। माइनस हम करते थे क्या, टैक्स, और टैक्स का रेट आपको दिया गया है 50%। तो 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय 50% इज इक्वल टू 2,80,000। तो नीचे आपको जो अमाउंट मिलेगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, माइनस लास्ट में हम करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना निकलेगा, तो देखिए आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है 5 लाख, और 5 लाख का 10% के हिसाब से डिविडेंड होगा 50,000। तो यहाँ पे आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा 2,30,000 एवरेज प्रॉफिट। ये फॉर्मूला हमें लिखना ही लिखना है जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की तब। ओके, ये हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था। चलिए,
एवरेज प्रॉफिट मिल जाने के बाद हम निकालेंगे कौन सा आपका सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा है 2,30,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमें निकाला था 1,66,500। तो 2,30,000 माइनस 1,66,500 इक्वल टू 63,500। ओके, चलिए अब इसकी गुडविल निकाले हम। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, सुपर प्रॉफिट 63,500 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, उसका लेना था हमें 3 टाइम्स, ठीक है, जो मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपकी जो गुडविल जो है 1,90,500। तो यहाँ तक तो जैसे आप कैलकुलेशन करते थे ठीक उसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं गुडविल की, तो जिस तरह से हमने स्टेप सिखाए आपको उसी तरह से हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब बात करते हैं कि हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए ही हमने गुडविल फाइंड आउट की थी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू में हमें क्या लिखना है, नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स में हम लिखेंगे सबसे पहले तो गुडविल। ओके, तो सबसे पहले तो बात करें कि हम शेयर के लिए नेट एसेट्स क्या लेंगे। तो आपने गुडविल के वक्त नेट एसेट की कैलकुलेशन की है, ठीक है, वो हम देखेंगे। गुडविल के वक्त हमने नेट एसेट्स निकाली थी 11,10,000, ठीक है। अब शेयर के लिए उसके उसके ऊपर से निकालेंगे, तो 11,10,000 प्लस हम करेंगे गुडविल, ओके, कितनी 1,90,000 प्लस हम करेंगे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर में ऐसा कोई रूल्स नहीं है। आपने अगर गुडविल के वक्त नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है बट शेयर में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हमारा था 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और इसकी अमाउंट जो थी 90,000। ओके, आपको 90,000 इसमें क्या करना है, प्लस करना है। और इसमें एक नया टॉपिक है कॉल इन एरियर्स, ठीक है। जब भी हम शेयर की कैलकुलेशन करेंगे तब अगर आपका कॉल इन एरियर्स है तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। तो कॉल इन एरियर्स कितना है, तो देखिए आपके पास ए इक्विटी शेयर जो थे 10,000, और उसमें 40 रुपीज़ पेड अप, यानी कि 60 रुपीज़ क्या है, कॉल इन एरियर्स। तो 10,000 ऊपर 60 रुपीज़ के हिसाब से कॉल इन एरियर्स हमारा बनता है 6 लाख। ओके, तो इसकी जो नेट एसेट्स जो निकल के आती है वो हम निकालेंगे। तो 11,10,000 प्लस 1,90,000 प्लस 90,000 प्लस 6 लाख इज इक्वल टू 19,90,500। ये हमारी क्या है, नेट एसेट्स। अब आपके सम का इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें आपको नेट एसेट्स के दो पार्ट करने हैं। दो पार्ट इसलिए क्योंकि हमारे जो इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। बट आपको देखना है कि जब भी आपकी दो दो अगर आपको शेयर दिए गए हैं और दोनों की फेस वैल्यू अगर अलग अलग है, तो नेट एसेट्स के उस हिसाब के से दो पार्ट पड़ेंगे। देखिए आपके पास ए इक्विटी शेयर है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100। बी इक्विटी शेयर है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज। तो दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग है, तो इस तरह से आपको देखना है कि अगर दोनों की फेस वैल्यू अलग अलग है तो दोनों की आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में आपको कितनी नेट एसेट्स आती है, ठीक है, कि ए में कितनी नेट एसेट्स आएगी और बी में कितनी नेट एसेट्स आएगी, उसके दो पार्ट निकालने, ठीक है। तो दो पार्ट कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर है और उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़। तो 10,000 शेयर, यहाँ पे नेट एसेट्स के हम दो पार्ट करेंगे, ठीक है। 10,000 शेयर है और उसके वैल्यू जो है 100 रुपीज़, तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 लाख।
बी इक्विटी शेयर है और 10 रुपीज के फुली पेड अप है और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 6 लाख रुपीज। अगर इसका रेशियो निकाले 2 लाख से अगर दोनों को डिवाइड करें तो इसका रेशियो निकलेगा 5:2। आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकाल के नेट एसेट्स को दोनों पार्ट में आपको डिवाइड करना है, ए और बी में। यानी कि ए के हिस्से में कितनी नेट एसेट्स आएगी और बी के हिस्से में कितनी नेट एसेट्स आएगी, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। बट ये कैलकुलेशन आपको कब करनी है, जब आपके पास दो इक्विटी शेयर हो और दोनों की फेस वैल्यू आपको अलग अलग दी हो तब, ठीक है। बाकी आपको नहीं करनी। अगर दोनों शेयर है, दोनों की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, तब आपको ऐसी कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो भी नेट एसेट है वो दोनों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 लाख एक को एक के हिस्से में अगर नेट एसेट देखे तो कितनी आएगी, तो 19,90,500 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी 5 3 डिवाइड बाय 8। तो इसकी अगर कैलकुलेशन हम करें तो कितनी निकल के आती है देखते हैं कैलकुलेटर। तो 19,90,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू पॉइंट में आएगा 12,44,643। बी के हिस्से में देखिए तो 19,90,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8, तो 7 लाख 46,400 निकलेगी, वो ये भी पॉइंट में है, तो 7,46,437। तो दोनों को हमने नेट एसेट हमने दोनों में डिवाइड कर दी है, ठीक है। तो देखिए अब दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकाले तो क्या निकल के आती है, तो ए के हिस्से में इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ए के हिस्से में नेट एसेट्स कितनी थी, 12,44,063, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके शेयर जो है 10,000 शेयर है, ठीक है, आपको दिए गए इसमें 10,000। तो इसको अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकलेगी 124.41, क्योंकि 0.6 होगा तो हम 41 कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो है फुल्ली पेडअप नहीं है, उसकी कॉल इन एरर्स है, तो अगर आपको कॉल इन एरर्स हो तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, तो कॉल इन एरर्स थे हमारे 60 रुपीज़, तो इसके हिस्से में वैल्यू निकलेगी, तो 124.41 माइनस 60 इज इक्वल टू 64.41। ये आपको याद रखना है, पिछली बार भी हमने बताया था कि अगर आपको कॉल इन एरियस है तो कॉल इन एरियस क्या होंगे, इसमें से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बी की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी निकलेगी, तो यहाँ पे देखिए बी के हिस्से में नेट एसेट है 7,46,437 डिवाइडेड बाय इसके जो शेयर है 60,000 है। क्यों 60,000, तो देखिए यहाँ पे आपको बी जो शेयर है 6 लाख इसकी कैपिटल दी गई और 10 रुपीज है, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 60,000 इसके शेयर आपको दिए गए हैं, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 7,46,457 डिवाइड बाय 60,000 इज इक्वल टू 12.44 इसकी इंटरेस्ट वैल्यू निकलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट वैल्यू की, तो मार्केट वैल्यू के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, और एवरेज प्रॉफिट हमने गुडविल के वक्त निकाला था, वो कितना था तो हम देखते हैं, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था 5,70,000, 5,70,000। डिविजिबल प्रॉफिट का फॉर्मेट अलग है थोड़ा, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस हमें करना है क्या, टैक्स, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, डायरेक्ट टैक्स माइनस होगा, ठीक है। तो टैक्स का रेट था 50%, तो 5,70,000 माइनस 50%, तो कितना निकल गया आएगा, 2,85,000 माइनस करें तो 2,85,000। अब इसमें एक टॉपिक आपको दिया गया था कि कंपनी की एक पॉलिसी है कि कंपनी जो है आफ्टर टैक्स 20% जनरल रिजर्व में ले जाती है, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स जो भी हमें प्रॉफिट मिला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मिला है उसमें हमें क्या करना है, माइनस करना है कितना, 20% जनरल रिजर्व में, ओके।
तो 285,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना निकल के आता है? तो देखते हैं, 285 मल्टीप्लाई बाय 20% इज इक्वल टू 57,000। माइनस करें इसकी अमाउंट निकलेगी 228,000। ओके, और लास्ट में आपको माइनस करना है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना निकलेगा? 5 लाख ऊपर 10% के हिसाब से 50,000। तो यहाँ पे अमाउंट निकलेगी 1,78,000। ये है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, चलो डिविडेंड रेट निकाले। तो डिविजिबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 1,78,000 डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल कितनी है? ए इक्विटी शेयर की पेड अप कैपिटल है 4 लाख, बी इक्विटी शेयर की पेड अप कैपिटल कितनी है? 6 लाख। तो टोटल पेड अप कैपिटल देखा जाए तो कितनी है? 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो रेट निकल के आएगा हमारे पास 17.8% डिविडेंड रेट। उसके बाद मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू का जो फॉर्मूला था वो क्या था? डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, दोनों की पेड अप वैल्यू जो है अलग अलग है, तो दोनों की मार्केट वैल्यू भी हमें अलग अलग मिलेगी। ठीक है, तो ए की अगर निकाले तो डिविडेंड रेट है 17.8 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय इसकी पेड अप वैल्यू कितनी थी? हमारी 40 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 60 रुपीज तो हमारे क्वालिन एरियर से, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 47.47। बी की निकाले तो 17.8 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, क्योंकि ये जो है फुल्ली पेड अप है, इसकी वैल्यू निकाले तो 17.8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 11.87। ये दोनों की मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये इस सब में आपके बहुत सारे नए टॉपिक थे जो आपको डिस्कस करने थे। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें मेन जो टॉपिक था आपका नेट एसेट्स के दो पार्ट निकालने थे, और दोनों की जो भी वैल्यू निकलती थी, जितने भी उनकी शेयर कैपिटल थी, उस हिसाब से हमें रेशियो निकालना है, और इस हिसाब से हमें नेट एसेट्स को डिवाइड करना है। ठीक है, बाकी सारी कैलकुलेशन आपको बताई है कि किस तरह से करनी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।